अरमान और अबीरा को एक साथ देखकर रूही को हो रहा है जलन। आखिर ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसे देखकर रूही को जलस फील हो रहा है, ये जानते हैं। आपको बता दें कि रूही अरमान और अबीरा के बीच में कांटे की तरह है, ऐसा फैंस का कहना है। फैंस भी रूही की हरकत से काफी मतलब गुस्से में है। जब भी अरमान और अबीरा के बीच में कुछ अच्छा सीन होने वाला रहता है, कुछ अच्छा होने वाला है रोमांटिक, तभी रूही दोनों के बीच में आ जाती है। और रूही और अरमान का उनके वजह से और अबीरा और अरमान का रूही की वजह से बहुत झगड़ा हो रहा है, जहाँ अबीरा ने रूही के परनानू से प्रॉमिस ले लिया है, उनसे वादा किया है कि वो रूही को मूव ऑन करने में हेल्प करेगी, तो वही अरमान नहीं चाहता कि वो दूसरी शादी करे। हालांकि प्रोमोट में तो हमने देखा कि अब अरमान मान भी गया है रूही की दूसरी शादी के लिए। लेकिन फिलहाल आज जो हॉस्पिटल में अरमान और अबीरा दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तब जब अरमान अबीरा के बेड पे आ जाते हैं और वो स्विच ऑन होने की वजह से बेड फोल्ड होने लगता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो ये सीन देखकर रूही को काफी जलस फील होता है और रूही आती है गुस्से में और रिमोट से बेड नॉर्मल कर देती है। तो रूही को अरमान और अबीरा के उस मोमेंट से जलस फील हो रहा है। सिर्फ उसी मोमेंट से नहीं, जब भी अरमान अबीरा के क्लोज आती है तब तब रूही को जलन होता है। इससे पहले भी अबीरा ने एक बार अरमान का हाथ पकड़ा था जिस पर रूही गुस्सा हो गई थी। तो आपको क्या लगता है, इन सब पे रूही का यूं बार बार अरमान और अबीरा के बीच में आना, क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग? आपको जो कुछ भी लगता है आप फटाफट से कॉमेंट करें, क्योंकि आप अपनी बात जो है अपने मन तक रखिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉमेंट करना होगा, तब मुझे पता चलेगा आपके मन की बात। तो जो भी लगता है फटाफट से कॉमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें कपशप को।